तो बच्चों आप करेंगे 29 क्वेश्चन, और बच्चों ये बोल रहा है कि पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर। इसकी हाइट अगर मुझे गिवन है, ये इसकी हाइट है, लेट सपोज ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर मुझे गिवन है इसकी हाइट, मुझे बोल रहा है इसका एरिया निकालो। तो अगर पैरीमीटर इसका 45 है तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स एक्स एक्स, और देखो ये कितना हो जाएगा पैरीमीटर इस रोम्बस का, 4x, ठीक है। और रोम्बस का जो पैरीमीटर गिवन है मुझे 45 गिवन है, तो 45 इक्वल टू 4x, तो एक साइड आ गई मेरी, एक्स आ जाएगा मेरे पे 45/4। तो देखो मेरे पे अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, मैं बताता हूँ। रोम्बस के एरिया दो होते हैं, एक तो होता है हाफ इंटू, जब मुझे डायगनल गिवन होगा तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, और जब मुझे डायगनल नहीं गिवन तो क्या होगा, एरिया हो जाएगा मेरा बेस इंटू हाइट। तो सिंपल है, बेस मुझे क्या गिवन है, देखो ये है और हाइट मुझे गिवन है 8, तो बेस कितना हो जाएगा 45/4, और हाइट हो जाएगा मेरा 8, तो देखो 4 2 जा, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, ये भी हमने अब कर लिया है। अब करेंगे हम 30th क्वेश्चन।